हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन। आज हम बात करने वाले हैं हल्क जर्नी की। देखिए, आप सभी जानते हैं हल्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का, जिसे हम लोग MCU भी बोलते हैं। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में जो हल्क है सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा ताकतवर 2008 से दिखाया गया था, यानी कि ये इसकी जो राइट्स है यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास है। तो यूनिवर्सल पिक्चर्स और MCU ने मिलकर के इस करेक्टर को जो है 2008 में लॉन्च किया द इनक्रेडिबल हल्क के नाम से। वैसे तो हल्क की मूवी जो है 2003 में फ़र्स्ट टाइम रिलीज़ हुई थी, यानी कि हल्क 2003 में लोगों के सामने इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन उसके बाद इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने यूनिवर्सल के साथ मिल करके इसके हल्क के राइट्स ले करके एक नई मूवी बनाई, द इनक्रेडिबल हल्क। यूँ तो मानो तो इनक्रेडिबल हल्क जो है लोग मानते हैं हल्क 2, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्वलस सिनेमेटिक यूनिवर्स के हल्क की एक द इनक्रेडिबल हल्क के नाम से जो मूवी आई थी वो हल्क की MCU मूवी थी। देखिए, हल्क एक ऐसा करेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन MCU ने इस इनक्रेडिबल हल्क के बाद से हल्क की कोई पर्टिकुलर मूवी नहीं लॉन्च की है अब तक। हल्क की एक भी मूवी इंक्रेडिबल हल्क के बाद पर्सनली कोई भी मूवी नहीं लॉन्च की है। एवेंजर्स में और आपको थॉर द रैगनारॉक मूवी में आपको हल्क को देखने को मिला है और हल्क के रोल को भी देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद जहाँ इंक्रेडिबल हल्क के बाद आपको नहीं देखने मिला। लेकिन जबकि सारे फैंस चाहते हैं, जितने भी हल्क के फैंस हैं वो सब चाहते हैं कि MCU हल्क की पर्सनली मूवी दे, वो भी इंक्रेडिबल हल्क जैसी मूवी दे। यूँ तो कहने का मतलब यह है कि एमोनिशन का इंक्रेडिबल हल्क के बाद क्या हुआ उसके बाद MCU ने उसको नहीं बताया। 10 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं लेकिन एमोनिशन का कोई भी नामोनिशान नहीं है MCU में इंक्रेडिबल हल्क के बाद। अब हम आपको बताते हैं हल्क की जो मूवी आई थी, पहली मूवी आई थी, उनको एंग ली ने डायरेक्टेड किया था, प्रोड्यूस किया था अभी अर्ग ने। और इस ये जो हल्क बेस्ड थी स्टैन ली के द्वारा और जैक किरबाई के द्वारा, और स्टेयरिंग थी एरिक बाना के द्वारा। जो हमारी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की जो सेकंड मूवी थी द इनक्रेडिबल हल्क, जो 2008 में रिलीज हुई थी, जो अमेरिकन सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है मार्वलस कॉमिक्स से हल्क करेक्टर को उठा करके, जिसको प्रोड्यूस किया था मार्वलस स्टूडियोज ने और डिस्ट्रीब्यूटेड किया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। ये एक सेकंड फिल्म थी हमारी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जिसको डायरेक्ट किया था लुइस लिथरर ने, जिसका स्क्रीन प्ले यानी कि मेन हीरो जो था वो जैक पेन थे, मतलब जिसका जो मेन स्क्रीन प्ले थे यानी कि मेन स्क्रीन प्ले वो थे जैक पेन के द्वारा। ये बहुत सारे इसमें जो है स्टार्स को डाला गया था। इसके अलावा जो है एडवर्ड नॉर्टन को ब्रूस बैनर के तौर पे यहाँ पे पेश किया गया, यहाँ पे बहुत और भी अदर करेक्टर्स थे। इंक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर जो है हल्क बनता है और वो सुपर सोल्जर से लड़ता है, और वो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा जो सुपर सोल्जर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके द्वारा एमोनिशन को बनाया गया, जो कि इस फिल्म का जो है सबसे ख़तरनाक विलन था, यानी कि लास्ट का जो विलन था वो था एमोनिशन, वो सुपर सोल्जर प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया था। वैसे तो इंक्रेडिबल हल्क जो है पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे यूनिवर्स में सभी के पास ज़्यादातर लोगों ने इसे देखा है। इसकी जो 13 जून 2008 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था अमेरिका में, यानी कि यूनिवर्सल में, और इसने जो कलेक्शन किया, ग्रॉस कलेक्शन किया है $263 मिलियन वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे संसार में इसने मिलाकर के टोटल जो कमाई की है वो की है $263 मिलियन, जो कि बहुत अच्छी कमाई मानी जाती थी 2008 में। फिर बैनर को यानी कि हल्क को फिर से रिलीज़ किया गया 2008 के बाद द एवेंजर्स मूवी में, जो कि 2012 में
रिलीज़ हुई थी, जहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अदर भी हीरोज़ थे, जैसे कि आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, तो ये अदर करेक्टर्स भी उसमें थे, जिसमें मिलाकर के पूरी टीम मिला के एवेंजर्स बनाई गई थी, जिसमें कैप्टन अमेरिका भी थे। फिर उसके बाद मार्क रिफ्यू को जो है रिप्लेस करके रखा गया था, और ये करेक्टर एमसीयू में बहुत ही ज़्यादा चला 2012 में। तो ये मैंने आपको एक झलक दिखाई है जहाँ पे एमोनिशन और हल्क आपस में लड़ने जा रहे हैं। जो 2003 में हल्क मूवी आई थी, ये इनक्रेडिबल हल्क उसी से इंस्पायर है, मतलब जो हल्क बनी है वो गामा रेडिएशंस के द्वारा जो है ब्रूस बैनर हल्क में कैसे तब्दील हुआ है ये बताया गया है द इनक्रेडिबल हल्क में। तो समय के साथ साथ जो है हल्क में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और फर्स्ट मूवी में उसके जो विलन थे वो पापा ही थे उसके, और इसके बाद जो है फिर उसके बाद थॉर रैग्नारोक में इसको पेश किया गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2012 में ब्रूस बैनर जो है एवेंजर्स मूवी में शामिल हुए, फिर उसके बाद 2012 के बाद 2015 में जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी ब्रूस बैनर को रखा गया था, और इसमें इन दोनों मूवीज़ में हल्क की पावर का यानी कि हल्क की ताकत का बखूबी इस्तेमाल हुआ, और बहुत ही ज़्यादा हल्क को अहमियत यानी कि इंपॉर्टेंस भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक फ़ैन थ्योरी है, और मैं एक फ़ैन होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ।